हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, फिन निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल के ट्रेडिंग सेशन में दैट इज 16 अक्टूबर को मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी को किन लेवल पे ट्रेड किया जा सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड लेवल है, इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे पहले डेली चार्ट पे एक चीज आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे जैसे कि मैं बताते आ रहा था, यहाँ पे देखिए एक राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट यहाँ पे बना हुआ है और राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल स्क्वीज आउट हो चुकी है, कोई यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है। और ऑलरेडी मैं पहले भी अलर्ट करते हुए आ रहा था कि जब ये अपने टॉप पे यहाँ पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे ट्रैपिंग मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, तो आइदर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होना चाहिए या ब्रेकआउट होना चाहिए। अदरवाइज इसी रेंज में अगर ये और कुछ महीने ट्रेड करता रहेगा तो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते रहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड पोजिशनली एक बार बात कर लेते हैं, अब किन लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दी है फिन निफ्टी ने 19827 और जबकि लो यहाँ पे बनाया है 788, तो 790 यहाँ पे लो इसका मान लेते हैं और 827 इसे यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो ये वॉयलेट कलर की लाइन मैंने मार्क करी हुई है 20,000 का लेवल, अब इसके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाया, दो दिन यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई और नीचे की तरफ इसने फिर ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया है, तो अब इसे ब्रेक करने में इसे थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो 20,000 एक साइकोलॉजिकल एज वेल एज यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो अब ट्रेंड लाइन इसका जो ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां से यहां तक, ये इसका एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में यहां पे ट्रैप हो चुका है और दूसरा यहां पे कंसोलिडेशन भी मार्केट ने काफी टाइम तक किया है, तो यहां पे अगेन मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो काफी सोच समझ कर छोटी क्वांटिटी से ही यहां पे ट्रेड करने में भलाई है क्योंकि मार्केट इजिली यहां पे ट्रैप कर सकता है। एटलीस्ट मार्केट को आइदर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करे, तब एक मोमेंटम यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बीच में यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंट ही हमें देखने को मिलेगी। 15 मिनट के चार्ट पे बात कर लेते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी को किन लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 827 पे इसकी क्लोजिंग थी, तो अब जैसे कि ट्रेंड फिर से नेगेटिव हो गया है, दो दिन यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक दिन दो दिन और फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन फिन निफ्टी ने दे दिया है, तो अब यहाँ पे 840 का लेवल आप नोट कर लीजिए, 19840 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे जैसे ही ये 840 के आसपास ओपन होने के बाद यहाँ पे 5-10 मिनट कंसोलिडेट होने के बाद अपनी इस सपोर्ट जोन को 800 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर ये मोमेंटम यहाँ पे इसे लेके आ सकता है 19760 के लेवल तक। फर्स्ट टारगेट यहां पे दे सकता है, सेकंड मोमेंटम इसे लेके आ सकता है 19730 तक एंड थर्ड मोमेंटम में फिर ये आ सकता है 19700 के लेवल तक। तो 700 के आसपास यहां पे ये सपोर्ट जोन बनी हुई है, फाइनल जो मोमेंट अगर इसका आएगा तो यहां पे आ सकता है 19670 के लेवल तक, ये डाउनफॉल यहां पे इसे लेके आ सकती है। तो इन लेवल को आप नोट कर लीजिएगा डाउन साइड में, और अगर सपोज करिए ये यहाँ पे ओपन होने के बाद अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रेड का नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड एट प्रेजेंट डाउन चल रहा है। और अपसाइड में रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए 19900 एक रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस जो इसका वॉयलेट कलर की लाइन है 20,000 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, फिन निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।